नेक्स्ट कुछ दिनों में यहाँ से बजट भी आते हुए देखेंगे। फाइनेंस पूरी इंडस्ट्री ऐसी रही है कि जहाँ पे हम लोगों ने सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी है, और कोविड के डिस्ट्रप्शन के बावजूद यहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स टर्नआउट हो रहे हैं। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेन होगा, लेकिन उसके यू नो काइंड ऑफ वो सिनेरियो के अलावा बेटर परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है। एक आइडिया आपकी तरफ से, क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है पूरी इंडस्ट्री की तरफ से, कौन से ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा ईज ऑफ यहाँ पे आते हुए देख पाएंगे, एक आइडिया है इसके ऊपर? हमारा एक विचार है कि बजट में एमएसएमई सेगमेंट के लिए एक अलग से थोड़ा एक हम एक स्कोप देना पड़ेगा, स्पेशली कॉरपोरेट और एमएसएमई को अलग करके जीएसटी रेट थोड़ा कम करना है एमएसएमई को, और थोड़ा इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी, हम अभी एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कैसे दे रहा है वैसा थोड़ा एक इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी भी देना चाहिए, और एक्सपोर्ट इनकम के ऊपर इनकम टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज ऐसा है कि अच्छा एक सपोर्ट मिल गया तो उन लोगों का एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी भी अच्छा है। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल एमएसएमई सेगमेंट को गवर्नमेंट एक अलग तरीके से अलग नजर से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट एमएसएमई में हो जाता है, और बड़ा कॉरपोरेट और बड़ा इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थोड़ा कम रहता है, सो स्पेशली सेमी स्किल्ड और फ्रेशर को। सो इसका अंदाज से हम एमएसएमई को थोड़ा अलग तरह से एक डायरेक्शन और अलग तरह से प्रोत्साहन दिए तो एक इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके अच्छा सर, एक चीज मुझे और समझनी है, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप हम लोग देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की जो आप बात कर रहे थे, ग्लोबली और इंडियन मार्केट्स की कंपैरिजन में बात करने जाएं, अब काफ़ी एनालिस्ट मान के ये भी चल रहा है कि अब यहाँ से सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होगा और इंटरेस्ट रेट पिकअप होते हुए देख पाएंगे, हम लोग हाइक्स आते हुए दिखेंगे। आपकी तरफ से एक आइडिया कैसे वर्कआउट हो रहा है, अगर इस लेवल पे हम लोग स्टेबलाइज नहीं करते और यहाँ से हाइक्स आते हुए दिख रहे हैं, तो वो कैसे ट्रांसलेट होगा आने वाले इकोनॉमिक पैरामीटर्स के ऊपर, एक आइडिया इस फ्रंट पे? मेरे ख्याल से इंडियन सिचुएशन में अभी इन्फ्लेशन टेम्पररी है, मेनली बिकॉज ऑफ फ्यूल प्राइस। एक बार फ्यूल प्राइस कर्टेल हो गया तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूल प्राइस ज्यादा होते ही पूरे कंज्यूमेबल के ऊपर वो कॉस्टली कॉस्ट बढ़ जाता है और कंजम्पशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। सो एक बार फ्यूल का कंट्रोल आने के बाद मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन में कंट्रोल आएगा। सो दी सप्लाई इंटरेस्ट रेट में वी शुड बिकम गो इजी, इन्फ्लेशन देख के इमीडिएट इंटरेस्ट रेट बदलना नहीं चाहिए, और इजी लिक्विडिटी हम अवेलेबल किया तो इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम वो इंटरनेशनल सिनेरियो को इंडिया में अप्लाई नहीं करना चाहिए।